हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आप लोगों ने जाना कि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं किस शासक के द्वारा बनाई गई। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इन गुफाओं के बारे में अधिकतर एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ से और कन्फ्यूज़न भी पड़ी रहती है कि पेपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं, क्योंकि हम इन गुफाओं को बार बार पढ़ते हैं और फिर भी भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि किस गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं इस एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके माध्यम से आप कभी भी इन गुफाओं के बारे में नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा याद रहेगी कि किस गुफा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो देखिए, सबसे पहले है एलिफेंटा की गुफा जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, दूसरी है एलोरा की गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगा जिसके माध्यम से मैं आपको सारी गुफाएँ याद करा देता हूँ। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि पहले जो लोग होते थे, राजा जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने पास हाथी रखते थे और जो हाथी होते थे ना, उनके बहुत बड़े बड़े पांव होते थे, हाथी के बड़े बड़े पांव होते थे और वो उन हाथियों से क्या करते थे कि जब भी उनकी लड़ाई होती थी तो आने वाली जो सेना है, जो सेना उनके सामने आ रही है, उसको पूरी को कुटवा देते थे। तो कह सकते पूरी को, सेना को कुटवा देते थे, कुचलवा देते थे, किससे, हाथी के पैरों से। तो वो जो राजा लोग होते हैं, अगर कोई लोग उनके खिलाफ होता है, कोई राष्ट्र उनके खिलाफ होता है, उस पूरे राष्ट्र को कुटवा देते हैं। किससे कुटवा देते हैं, हाथी के पैरों से। तो वो हाथी रखते थे, एलिफेंट रखते थे और एलिफेंट से दो तरह के कार्य लेते थे। क्या क्या कार्य लेते थे, एक तो राष्ट्र को कुटवाना कि जनता को कुटवाना, या फिर कह सकते हैं राष्ट्र को कुटवाना, और दूसरा वो क्या करते हैं कि जैसे कि हम एलोएवीरा फेस पर लगाते हैं ग्लो के लिए, तो वो एलोएवीरा की सब्जी भी बनाते थे, एलोएवीरा की मिठाई भी बनाते थे, एलोएवीरा को फेस पे भी लगाते थे। तो हाथियों से दूसरा काम करवाते थे कि एलोएवीरा को कूटो या कुचलो। क्या कहेंगे, एलोएवीरा को कूटना है भाई, कुचलना है। तो हाथी के दो काम, एलिफेंट के दो काम, एक तो एलोएवीरा और एक राष्ट्र, दोनों को कूटना है। तो देखिए, याद हो गई आपको, एलिफेंट की गुफाएं, एलिफेंट क्या करेगा, राष्ट्र को कूटेगा, एलिफेंट क्या करेगा, राष्ट्र को कूटेगा। तो राष्ट्रकूट के द्वारा राष्ट्र को कूटेगा कौन, एलिफेंट। दूसरा क्या काम करेगा, एलोरा, एलोरा मतलब एलोएवीरा, एलोरा को भी कूटेगा, कौन कूटेगा भाई, एलिफेंट ही कूटेगा। तो राष्ट्रकूट, ठीक है, तो एलोरा और एलिफेंटा किसके द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा इन दोनों का निर्माण हुआ। एलिफेंटा एलोरा, एलिफेंटा एलोरा, याद रखना एक लाइन में, एलिफेंटा एलोरा राष्ट्रकूट, एलिफेंटा एलोरा राष्ट्रकूट, ठीक है। अब देखिए, तीसरे हमारे पास है अजंता। एक काम और करते थे वो जो राजा लोग होते थे, वो चाहते थे कि अगर हमें गद्दी पर बना रहना है तो हमारे जो राज हैं वो गुप्त ही रहने चाहिए, कभी भी वो जनता को नहीं पता लगना चाहिए। अगर जनता को हमारे राज पता लग गए, हमको गद्दी से उतार फेंकेंगे। तो वो लोग अपने राज को क्या रखते थे, गुप्त रखते थे। किससे गुप्त रखते थे, जनता से गुप्त रखते थे। तो देखिए, अजंता, जनता से गुप्त रखना है राज, गुप्त रखना है जनता, जनता से क्या करना है, गुप्त रखना है क्या, राज भाई, गुप्त शासकों के द्वारा, किसके द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया किसका, अजंता का। उसके बाद है कनेरी। देखो, कनेरी की गुफाएं कहां पर हैं, कनेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है। कनेरी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, वो लोग जो बिल्कुल शांत रहते हैं, दूसरों को नहीं छेड़ते और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, हाथ जोड़कर, प्रभु हमारी गलती माफ़ करना और हमें अच्छाई और नेकी के रास्ते पर चलाना, अपने कानों को हाथ लगाते हैं कि हमें बुराइयों से दूर रखना और बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं हाथ जोड़कर। जी हाँ, बिल्कुल, बुद्धिस्ट लोग अपने कानों के हाथ लगाते हैं और बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो देखो, कनेरी मतलब कान, कानों के हाथ लगाना और माफ़ी मांगना, कनेरी मतलब कान। तो कनेरी गुफाओं का निर्माण मुंबई महाराष्ट्र में किसके द्वारा करवाया गया भाई, ये बुद्धों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, बुद्धों के द्वारा करवाया गया। उसके बाद हैं कांदरिया, कांदरिया महादेव, कांदरिया महादेव की जो गुफाएं हैं ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो कांदरिया महादेव की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो देखो, कांदरिया मतलब कंजरियाँ, जो कंजरी होती है ना, बिल्कुल कंजर टाइप कंजरियाँ, कांदरियाँ खुजाती रहती हैं खजुराहो, कंदरियाँ क्या करती हैं, खुजाती रहती हैं, खुजा कर बिल्कुल यार स्किन तक फाड़ लेती हैं अपनी कंजरियाँ, तो बिल्कुल चुड़ैल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, चुड़ैल। तो देखो भाई, कांदरिया महादेव चुड़ैल से याद रखना है, चंदेल के क्या याद रखना है भाई, चंदेल शासकों के द्वारा, किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा।
कांदरियां कंजरियां, कंजरियां कैसी होंगी, चुड़ैल होंगी, चुड़ैल मतलब चंदेल, कांदरियां कांदरियां कंजरियां। अब एक चीज आपको याद रखना कि कांदरियां महादेव कहां पर है, खजुराहो में है। कांदरियां कंजरियां क्या करती हैं, खजाती हैं, और कैसी बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है। तो देखो आपको याद हो गई, एलिफेंट एलिफेंट क्या करता है, कूटता है किसको, एलोरा को। तो एलिफेंट एलोएवेरा मतलब एलोरा, दो तरह की गुफाएं राष्ट्रकूट के द्वारा इनका निर्माण हुआ। अजंता, जनता से हमें राज को क्या रखना है, गुप्त रखना है, जनता मतलब गुप्त शासकों के द्वारा। कनेरी मतलब कानों के हाथ लगाओ, माफी मांगो और शांति से बैठे रहो, बुद्धों के द्वारा। कांदरियां कंजरियां, चुड़ैल चंदेल, किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा। आई होप आपको याद हो गई और आप इनको कभी भूलने वाले भी नहीं हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।